हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता होम फूड से एकता श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल आलू गोभी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। ढाबे की आलू गोभी जानते हैं कितनी स्वादिष्ट होती है, तो ढाबे में कैसे बनाते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, आइए मैं उसकी आपको रेसिपी बताती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल आलू गोभी बनाने की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने गोभी ली है, उसको अच्छे से काट के उबाल के साफ कर लिया है। एक गोभी ली है मैंने बड़ी, दो आलू लिए हैं बड़े, इसको मैंने देखिए ऐसे बड़े ही बड़े काटना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना है, बहुत कम नहीं डालना है। इसमें मुझे आलू डाल देने हैं और आलू को अच्छे से फ्राई करना है गुलाबी होने तक। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम इसी ऑयल में गोभी अपनी डाल देंगे, गोभी डाल के भी उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने गोभी डाल दी है और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भी फ्राई करेंगे। चलिए तब गोभी फ्राई हो रही है, तब हमको क्या करना है, हमको एक कढ़ाई लेनी है, थोड़ी भारी कढ़ाई लेनी है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। हमने देखिए एक भारी भारी तेल की कढ़ाई ली है, उसमें हमने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम कुछ सूखे खड़े मसाले डालेंगे, जैसे दो तेज पत्ता, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी दालचीनी और 4-5 लौंग इसमें हम डालेंगे। और जब ये मसाले चटक जाएंगे तो इसमें हमें देखिए क्या डालना है। देखिए हमने ये एक बड़ी साइज़ की प्याज को चॉप्ड करके लिया है और ये खूब सारा अदरक और लहसुन, इसमें कम से कम 20-25 कलियाँ लहसुन और 2 इंच का टुकड़ा बड़ा अदरक का है, ये हमने चॉप करके लिया है। इसको आपको पीसना नहीं है, इसको या तो आप कद्दूकस कर लीजिए, नहीं चॉपर में चॉप कर लीजिए, लेकिन पीसना नहीं, क्योंकि पीस के फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। अब हमको इसी में इस मसाले में इसको प्याज को और अदरक लहसुन को डालना है और अच्छे से भूनना है। देखिए हमने प्याज अदरक लहसुन इसमें डाल दिया है, अब हमको इसको अच्छे से ऑयल छोड़ने तक या हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। तब तक हम क्या करते हैं, चलिए 4 टमाटर ले लेते हैं, उसको भी ऐसे ही है चॉप हमको करना है, मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए उसको भी चॉप करना है, पीसना नहीं है। चलिए इसको गुलाबी होने देते हैं, तब हम टमाटर को चॉप कर लेते हैं। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हमको इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी डाल के इसको हम चलाएंगे। और ये देखिए मैंने 4 टमाटर चॉप करके लिए हैं, अब हम इन टमाटरों को इसमें डाल देंगे। और अब क्योंकि टमाटर गया है तो आप जानते हैं क्या जाएगा, नमक, और इसमें हम नमक डाल देते हैं। चलिए इसमें देखिए नमक डालते हैं, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। टमाटर के साथ नमक डालने से ये होता है कि टमाटर गलते बहुत अच्छे से हैं। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें 4-5 हरी मिर्ची लंबी लंबी काट के डालनी है। देखिए हमारा टमाटर गलना शुरू हो गया है, अब इसमें ये 4-5 हरी मिर्ची ऐसे लंबी लंबी काट के हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको ढक के कम से कम टमाटर के गलने तक इसको पकाएंगे। देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब इसमें हमने जो आलू और गोभी फ्राई करके रखा था वो हमको इसमें डाल देना है। देखिए हमने आलू गोभी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, जैसे मैंने आपको बताया ना, थोड़ी धनिया की पत्ती अगर हम पकने के साथ डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसको हमको ढक के आलू और गोभी के पकने तक पकाना है। ये देखिए हमारी आलू गोभी अच्छे से पक गई है। अब अभी तक हमने इसमें हल्दी के अलावा कोई सूखा मसाला नहीं डाला, तो अब हमको इसमें क्या करना है, 1 चम्मच अपने स्वादानुसार चिली फ्लेक्स या जिसको कुटी लाल मिर्च कहते हैं वो डालिए। एक चम्मच भर के गरम मसाला, मैंने एकता होम फूड्स का गरम मसाला यूज़ करा है, ये स्वाद में बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे मसालों का मिश्रण है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें थोड़ी धनिया ऊपर से डालिए और इसको मिक्स करिए। अब ये देखिए हमारा ढाबा स्टाइल आलू गोभी बनके
तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इसका स्वाद भी यकीन मानिए बहुत अच्छा होता है। आप अगर मेरे बताए हुए टिप्स से आप इसको बनाएंगे कि जैसे लहसुन प्याज अदरक पीस के नहीं डालना है, चॉप करके डालना है, टमाटर चॉप करके डालना है, और मैंने मोटे तले की कढ़ाई इसलिए लेने को कही थी क्योंकि मुझे उसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी के ही पकाना है तो उससे सौंधा सौंधा पकेगा। तो देखिए कितनी अच्छी ढाबे स्टाइल आलू गोभी बन के तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। तो ये देखिए इसको गर्मा गर्म सर्व करिए, इसको पराठे के साथ, पूड़ी के साथ इसका मज़ा उठाइए।